महाराष्ट्र में विधानसभा 2024 का बिगुल बज चुका है। कुछ पार्टियों द्वारा अपने उम्मीदवार भी घोषित किए गए हैं और इसी श्रृंखला में हम आज आए हैं नागपुर शहर के पूर्व नागपुर परिसर में और यहाँ हम जानेंगे यहाँ के लोगों का मूड क्या है, क्योंकि हम सबको पता है बीजेपी ने जो लिस्ट जाहिर की है, घोषित की है, उसमें कृष्णा खोपड़े इन्हें तीसरी बार और एक बार पार्टी ने चांस दिया है, उनका नाम घोषित हुआ है। जानते हैं यहाँ की जनता से उन्हें कौन यहाँ से उम्मीदवार चाहिए, किसे वो चुन कर देना चाहते हैं, क्या उनका मूड है, चलिए मेरे साथ। हाँ, अभी विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में, आपको कौन सी पार्टी चाहिए राज्य में, क्या बताओ? अभी देखो कौन सी आती है, अपन तो बता नहीं सकते ना जी अभी। क्यों नहीं बता सकते हो? क्या बता सकते हो, बोलो आपको कौन सी पार्टी चाहिए ये बता। अरे क्या बता सकते हो, बोलो कुछ बता नहीं सकते ना अभी, कौन सी पार्टी आ गई क्या होगा, वो तो उनका नसीब ही जाना ना। क्यों आप वोट करते हो ना, किसे वोट करोगे? अभी देखो कौन को करते है, किसका नंबर आता है, कब वोटेंगे पता ही नहीं अभी तो हमारे लिए। तो 20 तारीख को चुनाव होने हैं, तो आप वोटिंग करते हो, किसे वोट करना चाहो? अभी ये वोट करो बता नहीं सकते, किसका नसीब ये चेता है, कौन के हाथ में जाएगा वो नहीं बता सकते वो लोग। ऐसा क्यों? ऐसा ही है ना जी। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कि वो वोट किसे करना चाहते हैं, कौन सी पार्टी उन्हें राज्य में चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी, क्या बताओगे भैया, कौन सी पार्टी को जिताना चाहते हो इस बार? बीजेपी। क्यों? बीजेपी अच्छा काम कर रही। कौन सा काम अच्छा किया? ये इतने बड़े बड़े ब्रिज पुलिया बना दिए, तो आपको लगता है ब्रिज पुलिया बन गए तो हो गया? आप देखो आगे आने वाले समय में रोजगार है कुछ है तो, हाँ रोजगार है लगता। नहीं रोजगार नहीं है, रोजगार पूरा खत्म है। तो भी फिर बीजेपी को आप चुन के देना चाहते हो और मतलब बोल रहे हो कि विकास नहीं दिए, चुन के तो चुन के आ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सत्ता उन्हीं की है। तो आपको बीजेपी चाहिए सत्ता में? अब देखो कौन आता, हमारा काम है वोट करना। किसे वोट करो? बीजेपी को। भैया से पूछ लो, आप वोट किसे करोगे? हम कट्टर कांग्रेस है। तो कांग्रेस को चुन कर लाना चाहते हो, क्या बताओगे अगर कांग्रेस चुन के आई तो आपको लगता है कुछ आपके लिए कर पाएगी? थोड़ी महंगाई, बेरोजगारी ये तो कम हो जाएगा। अभी कैसा है हाल? अभी तो बहुत बुरा हाल है। रोजगार है? बैठे हैं ऑटो लेके, कुछ रोजगार नहीं? नहीं। चलिए और भी लोगों से जानते हैं उनका मूड क्या है। हमारे साथ कुछ महिला है उनसे हम जानते हैं। आपने लाडली बहन का फॉर्म भरा था, पैसे भरे, पैसे आए? अच्छा, अभी चुनाव है, किसे चुन कर दोगे? जिसने पैसे दिया उसको। जिसने पैसे दिया उसको, मतलब किसको? बीजेपी को। हाँ। कितने पैसे आए? 7,500 रुपए मिले। अच्छी योजना है। काका किसकी सरकार चाहते हो राज्य में? अभी सरकार से कोई मतलब नहीं है मेरा भाई। अभी देखो मैं एजेड हूँ, सीनियर सिटीजन, मेरी वाइफ, दो जने घर में, मेरे घर में लड़का नहीं है, तीनों लड़की है, समझा, तीनों लड़की है। और मैंने दादा दादी का फॉर्म भरा, 2 महीना हो गया, अभी कोई रिप्लाई नहीं है, कोई पैसे नहीं आए। मेरी लड़की ने अपना ये लाडली बहना का फॉर्म भरा, उसको भी 2 महीना हो गया, उसका भी कोई पैसा नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। क्या लगता है अगली बार कौन सी सरकार आएगी? अभी देखो सरकार से अभी ये लोग अभी क्या बोल रहे हैं आदमी लोग, भाई कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं, भाई ये जो पैसे चला रहे हैं वो वोट 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 मारने के लिए चला रहे है, भाई ये वोट हमको बीजेपी को मिलेगा तो वो इसलिए हम पैसे चला रहे हैं, मतलब ये कांग्रेस वाले का आरोप है, समझा। आपको क्या लगता है रोजगार मिले यहाँ पे युवाओं को? अभी भाई देखो बड़ी बड़ी बातें होती है, समझा, सब बड़ी बड़ी बातें होती है, जिसकी सरकार रहती है वो बड़ी बड़ी बातें करता है। थैंक यू। लाडली बहन का फॉर्म भरे हो? हाँ। कितने पैसे आए हैं? 7,500। अभी चुनाव है, किसे चुन कर? वो तो बता नहीं सकते अब। वोट करते होगे, किसे वोट कर? वोट का तो बता नहीं सकते ना, वो अपने ऊपर है वोट। किसकी सरकार चाहते हो फिर? देखो हम जो भला करेंगे उसी की। कौन भला कर रहा है? कौन लगता है कौन भला कर रहा है? सब तो महंगाई है, महंगाई का जमाना है, फिर 3,000-4,000 से कुछ नहीं होता, देने वाले ज्यादा देने को ना।
अभी ऐसा लगता है कि लाडली बहन योजना में ज्यादा पैसे हाँ ज्यादा मिलना चाहिए। वोट किसको करोगे? सौगा तो तेल का पीपा हो गया, सिलेंडर हो गया, फिर महंगा 3,000 से क्या हो रहा, कुछ नहीं होता 3,000 से। और भी लोगों से जानते हैं कि उनकी राय क्या है, किसे वो चुनकर देना चाहते हैं इस चुनाव में। चलिए मेरे साथ काका, किसको चुनकर देना चाहते हो राज्य में, कांग्रेस या? हेलो, कांग्रेस या और बीजेपी? मैडम आपने पूछा, ये बात बराबर है, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सभी का माहौल बराबर दिख रहा है, और हमको सभी का माहौल बराबर दिखने के बावजूद काम सबके बराबर हो रहे, तो बीजेपी ये हमारा बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे बीजेपी सबसे बढ़िया लग रहा है। क्यों लग रहा है बड़ा, क्या क्या काम किए? क्योंकि जो ई रिक्शे जो निकाले, जैसे अपंग जैसे हमारे आदमी को इतना फायदा हो गया है कि अपंग आदमी हम काम नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, आज हम दो पैसे कमा रहे हैं तो आज बीजेपी की वजह से कमा रहे हैं। रोजगार मिल गया आपको, इसलिए बीजेपी को आप वोट करने वाले हो? हाँ, रोजगार मिला ना, हम दो पैसे नहीं कमाते थे, हम लंगड़े अपंग आदमी नहीं कमाते थे, आज दो पैसे मिल रहे हैं, कमा रहे हैं, तो हमको बीजेपी अच्छी लग रही है। ठीक है, और भी लोगों से जानेंगे उनका मूड क्या है, उनकी राय क्या है। चुनाव को लेकर लोगों में भी चर्चाएं होती रहती है, क्या बताओगे आप, कौन सी सरकार चाहते हो इस बार राज्य में, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। क्यों बीजेपी? काम करती है बीजेपी। कौन सी काम किए? बहुत सारे काम किए, राम मंदिर बनाया, श्री कृष्ण मंदिर के चल रहा है। तो राम मंदिर बनाने से आपको लगता है कि जो युवा है अपने यहाँ के, उन्हें रोजगार मिल गया, या ऐसी कुछ समस्या लोग बता रहे हैं कि रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है, आप कितना सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूँ, और बीजेपी की इसमें रोजगार अच्छे मिले हैं। लोगों का एक नैरेटिव है विपक्ष पार्टी का, क्या रोजगार नहीं है, रोजगार अच्छे है, और बीजेपी ने रोजगार भी दिया, काम भी किया, और वादे पे खरी उतरी है। पूर्व नागपुर परिसर में हम हैं, यहाँ से कृष्णा खोपड़े, इनकी उम्मीदवारी जाहिर हुई है, वो यहाँ के मतलब उम्मीदवार है, क्या लगता है उन्होंने अब तक कौन से काम किए हैं जनता के? कृष्णा भाव ने बड़े बड़े कॉलेजेस लाया, पुलिस स्टेशन लाए, और जमीनी लेवल के नेता है वो, छोटे से लेके बड़े सब लोगों के काम करते हैं, और उनका काम एकदम ग्राउंड लेवल का है। और भी लोगों से हम जानेंगे, किसकी सत्ता चाहते हो, कौन? बीजेपी। क्यों बीजेपी? वो सब काम के लिए, ऊपर काम के ऊपर काम। कौन से काम आपको अच्छे लगे? सब काम है, पूर्व नागपुर में कितना काम नहीं बताओ, बहुत काम है, गिनती नहीं काम के लिए। आपको अच्छे लगे वो काम, गिनाई है? अरे बहुत है, सिम्मा से कार्य लाए, ये आरटीओ ऑफिस लाए, और बहुत काम है, ऐसे बहुत काम है यहाँ पूरा ना। लाडली बहन से फॉर्म भरा आपके पहचान में? हाँ। पैसे आ रहे? आ गए पूरे पैसे? पूरे। आप किसकी सरकार चाहते हैं? शिवसेना, बीजेपी, शिंदे गुट और बीजेपी, महायुति की? महायुति की। तो उन्होंने विकास ज्यादा किए ना, विकास के ऊपर सब कुछ। विकास मतलब कौन सा विकास होता है, क्या बताओगे? आज जो नागपुर जो पुलिया थी पहले जमाने में, 15 साल पहले, और आज के देखो तो यानी जाओ तब काम ही काम है, जो बड़ी योजना लाए, बड़ी योजना लाए, वो पुलिया का काम चालू है सब, वो बीजेपी शिवसेना। कौन सी योजनाएं आई? सिमोसिस कॉलेज आया, आरटीओ ऑफिस आया, वो नागपुर के अंदर आरटीओ ऑफिस आया, सिमोसिस कॉलेज आया, उसके बाद बाजू में वो अपना खेल सफूर उनका चालू है, उसके बाजू में अभी आओ एक स्कूल का चालू किए, 300 बेड का दवाखाना बनना चालू है, हाँ स्मार्ट सिटी लाए, यानी जो आज तक हमने देखे नहीं थे वैसे एक से कोई योजना। और भी लोगों से जानेंगे कि वो किसे चुनकर देना चाहते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। चलिए मेरे साथ, क्या बताओगे, किसकी सरकार चाहते हो, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी हमारे भाऊ ऐसे है कि वो सबके बड़े से छोटे के सबके सुन लेते हो, और वो इसलिए अभी ये चौथा ट्रम है, चौथे ट्रम में भी खुशी से अच्छे लीड से आएंगे वो, मगर आएंगे चुन के वही आएंगे। अच्छा, आपने भाऊ बोला है, जरा आपके भाऊ का नाम बताइए, और आपको जो काम किए हैं अच्छे काम आपने बोले, वो दो चार काम गिनाई? काम तो आपको सबको दिख ही रहे, काम तो बताने की जरूरत नहीं है, कितना भाऊ खोपड़े ऐसे है क्या, कितना भाऊ खोपड़े ऐसे है क्या, छोटे से लेके तो बड़े तक सबकी इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं कि गरीब है, करोड़पति है, लखपति है, उसको मान दान से नहीं बोलेंगे, सबको मान देते हैं,
और सबको लेके चलते हैं, सबको लेके चलते हैं, मान देते हैं, तो इसीलिए उनको ही चुन के देना है। यानी छोटे रहे बड़े रहे कोई भी रहे, भाऊ को हमारे को चुन के लाना है, कितना भाव को पड़े। बीजेपी यानी बीजेपी, और लोगों से जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, किसे चुनकर देना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हो यहाँ पे राज्य में। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, महिलाओं को सम्मान निधि दिया 1500 रुपये, और बहुत सारे काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं। इस बार भी यहाँ से विधायक जो है बीजेपी के वही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है नई चुनौती मिल रही है कांग्रेस की ओर से। अभिजीत वंजारी का नाम सामने आ रहा है, अभी तक क्लियर नहीं है, बट वो भी कद्दावर नेता माने जाते हैं, क्या लगता है? वैसे तो अभिजीत वंजारी इसके पहले भी चुनाव हार चुके हैं, लगभग 50,000 वोटों के ऊपर वो चुनाव हारे है, और संगीता तलमले का भी नाम है। लेकिन कैसा है कि भाई इनका यहाँ वर्क कुछ नहीं है, जो यहाँ मान लो दिन में एक दिन में जो 50-100 प्रोग्राम जो अटेंड करते हैं हमारे ऐसे आमदार साहब जो है, छोटा रहे बड़ा रहे सबके घर को जाते हैं, किसी ने इनवाइट किया तो वहाँ जाते हैं, तो ऐसे आदमी को कोई भी चाहेगा कि उनको चुन के देना चाहिए करके, इसी इस पे भी चुन कर देना चाहिए। बाकी और काम है, रोजगार है, बहुत सी समस्या है, लोगों ने यहाँ पे बताया। नहीं नहीं विकास तो बहुत हुआ है, आप पूर्वनापुर में इतना विकास हुआ कि भूतो ना भविष्य। कभी माननीय सतीश चतुर्वेदी 17-20 साल में 17 साल मिनिस्टर थे, उन्होंने जितना नहीं किया हमारे आमदार साहब ने उससे ज्यादा कई गुना विकास किया है। काका है यहाँ पे, काका से हम जानना चाहेंगे क्योंकि वो बुजुर्ग है, उन्होंने कई चुनाव देखे हैं अपने जीवन में, क्या बताओगे काका इस साल चुनाव में किसको चुन के देना चाहते हो? अभी तो भाजपा को दिए देना, अभी भी देना चाहे। क्यों भाजपा को देना है? अरे काम मुझे जब कांग्रेस के राज में जब 1-2 पैसे चलता था, जब किसी ने कुछ काम नहीं किया था ना, अभी भी कोई काम नहीं किया, साफ लोग जो भी कर्मचारी है कोई डिपार्टमेंट में कोई काम करने को तैयार नहीं है, बस पैसे लो और काम करता है। आप इसी एरिया के रहने वाले हो? हाँ। तो कितने चुनाव आपने देखे होंगे यहाँ, ये परिसर आपने देखा है, क्या बदलाव आया है? अच्छा क्या बदलाव था, रोड हुए बड़े बड़े और काम भी हुए, पर सिर्फ कर्मचारी नहीं बदल गए, कर्मचारी नहीं बदलते है, कर्मचारियों का रवैया नहीं बदला है। तो किसकी सरकार चाहोगे फिर? सरकार खींचके अभी वो तो नहीं है, पर रहेगा जो हमारा जो मैं अभी आया था काय के लिए भीड़ भरने के लिए बंद कर दिया उन्होंने, बोले 4 बजे तक 11 बजे 22 तारीख अभी आज नहीं लिया है, वापस आ रहा है। अभी हमारे कॉर्पोरेशन में पैसे भरने 10,000 रुपये नाम नहीं हुए अभी तक, 2 साल हो गए, वो पैसे मांग रहे हैं कर्मचारी। और भी लोगों से जानते हैं कि उनकी राय क्या है, उनका मूड क्या है चुनाव को लेकर। चुनाव में किसे जिताना चाहोगे, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी को। क्यों बीजेपी? सबसे ज्यादा उद्धार उन्होंने किया है। अच्छा आप पूर्व नागपुर में रहते हो, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कहीं ना कहीं अभिजीत वंजारी का नाम सामने आ रहा है, क्या बताओगे? अभिजीत वंजारी का नाम तो ये अभी अभी सामने आ रहा, पर हम तो 30 साल से तो बीजेपी का कृष्णाजी खोपड़े के ही साथ में है, तो कृष्णाजी खोपड़े ही जो कुछ कर रहे हैं सबसे ज्यादा उद्धार वही कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारा उद्धार किया है उन्होंने ऐसा आपका कहना है, क्या रोजगार यहाँ निर्मित हुई है पूर्व नागपुर? रोजगार तो गवर्नमेंट दे ही रही ना, उसका फायदा उठाना चाहिए लोगों ने, कई प्रकार की योजनाएं निकाले हैं, उनके साथ उन्होंने जुड़ना चाहिए, अपनी जो भी तिकड़े कुंदरी गेला है। क्या बताओगे किसे चुन कर देना चाहते हो इस चुनाव में, बीजेपी या कांग्रेस? ये स्कार्फ निकालिए जरा। बीजेपी या कांग्रेस, जिस जो काम अच्छा करेगा वो जीत पाएंगे। अच्छा आपको किसका काम अच्छा लगा? मैं तो अभी 35 साल से यहाँ देख रहा हूँ, जिन जो यहाँ के नगर सेवक रहे और आमदार भी रहे तो उन्होंने काम अच्छा ही किया है, और काम अच्छा करने के बाद में समाज वगैरह जो है वो लेके सबको चल रहे हैं, उनमें कोई दूजा भाव है नहीं, सबको अपने साथ लेके चल रहे, चाहे कोई भी समाज का हो, लेकिन वो कभी उन्होंने ना नहीं बोला, तो बोला जो अच्छे काम करेगा वो जरूर जीत के आएगा। आप किसे वोट करो? वोट का बारे में ऐसा जो आपको पहले ही बोल दिया, क्या जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा,
और जो है जिन्होंने किया है वो जीत के आएंगे। और भी लोगों से जानते हैं उनकी राय क्या, कहना है उनका। चाय की चुस्कियां जो है ली जा रही है। काका क्या बताओगे, विधानसभा चुनाव का दौर है, किसे चुनकर देना चाहोगे? है ना मोदी सरकार है ना, मोदी सरकार तो केंद्र में है, राज्य में कौन चाहते हो, कांग्रेस या बीजेपी? मैं बीजेपी जाएंगे। क्यों बीजेपी? काम अच्छा कर रही ना। कौन से काम अच्छे लगे आपको? अब इतना तो अच्छा काम हो ही रहा है ना, अभी हर चीज तो काम अच्छा ही हो रहा है, कांग्रेस राज में तो काम होता ही नहीं। लाडली बहन योजना में कोई जुड़ा है आपके घर से? नहीं जुड़ा था, लेकिन वो कोई आया ही नहीं अभी तक के। पैसे नहीं आए योजना के? किसे वोट दोगे? बीजेपी को देंगे। किसे वोट देना चाहोगे चुनाव में? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, लाडली बहन में फॉर्म भरा? हाँ। कितने पैसे आए अभी तक? 7,500 पूरे आए। क्या काम किए आप यहाँ पे, मतलब पूर्व नागपुर में ही रहते हो? हाँ। कौन से काम किए अभी? बहुत काम करे। कौन सी योजनाएं अच्छी लगी? सभी योजनाएं अच्छी लगी, कामगार का हुआ, लाडली बहना का हुआ, सिलेंडर का हुआ। सिलेंडर मिल गए आपको? हाँ। आपका ये चाय का ठेला है, कितना आपको ये इसका मतलब ये होता है बेनिफिट जो योजनाएं मिली आपको? क्या बोला? योजनाएं जो मिली है उस कितना बेनिफिट मिल रहा है? मिल रहा है बहुत, महीने का भाव के घर चाय जाती है वो मिलता है, ऐसे मिल। कौन से भाव के घर चाय? कृष्णा खोपड़े। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए चाय का मजा ले रहे हैं, उनसे ये भी जानेंगे कि चुनाव में वो किसे चुनकर देना चाहते हैं। चुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां बढ़ने लगी है, लोगों में भी इसे लेकर जो है एक उत्सुकता बढ़ने लगी है, किसे चुनकर देना है, लोग भी इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं करने लगे हैं। हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या बताओगे भैया, आप किसको चुनकर देना चाहते हो? किसे चुनकर देना चाहते हो, कांग्रेस बीजेपी? पता नहीं। क्यों कमल? क्यों हम उसको देते हैं? हम उसको किसको वोट करोगे, कांग्रेस या बीजेपी, कौन चाहिए? तो वोट करेंगे, या तो हम कटोरे से लग गए, रिक्शे चालू कर दे, सब चालू कर दे, हम क्या रोज रोजी रोटी दिए, बोलते काय की रोजी रोटी है, 10 में जाते 20 में आते, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, किसको वोट देंगे? जो अच्छा देंगे अपने को रोजी रोटी उसको ही वोट देंगे ना। क्या लगता है कौन आपको रोजी रोटी देगा? अब क्या मालूम है, सरकार है, कौन बैठता कौन आता और कौन जाता। लाडली बहन योजना में जुड़े है कोई घर से? उससे कोई क्या मतलब है, लाडली योजना चालू कर दे, हम तो भर रहे ना, तेल कर दिए 140-150 रुपये, कर दिए नहीं कर दिए, पैसा तो हमारे से ले रहे ना, औरतों के लिए क्या लग रहा है, अरे हमारे को पैसा दे रहा है जरा नेता। किसे वोट देना चाहोगे, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी, शहर बनाया, सुंदर बनाया, रोजगार कम मिल रहा है इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। रोजगार कम मिल रहा है तो भी बीजेपी को वोट? हाँ बीजेपी को वोट देंगे, क्यों देंगे वो पूछो ना, वही तो मैं बोल रहा ना, क्योंकि 20 साल कांग्रेस ने राज किया कुछ नहीं कर पाई, ठीक है, बीजेपी ने जो बनाया, मेट्रो बनाया, ये बनाया, वो बनाया, रोड बनाए, रास्ते बनाए, सारी चीजें की किसने की, बीजेपी ने विकास किया, ठीक है। हमारे शहर का जो मंत्री है नितिन गडकरी, राज्य विभाग का मंत्री, उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस, क्यों है हमारे एरिया का पूरा नागपुर का जो आमदार है कृष्णकांत जी खोपड़े, क्यों है आज इतना विकास हुआ है, इसकी वजह से, बीजेपी की वजह से, इसलिए वोट हम बीजेपी को देना चाहते। रोजगार नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन इस तरह का विकास, हाँ विकास होना चाहिए, विकास विकास होना चाहिए, ऐसी इनकी राय है। आप किसे जीत कर देना चाहते हो, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्योंकि विकास किया है यहाँ के जो आमदार है कृष्णा जी खोपड़े, उन्होंने भरपूर विकास किया, रोड, फ्लाईओवर, बहुत सारा विकास किया है, अभी तक कांग्रेस ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। इसके पहले जो ये थे मंत्री चतुर्वेदी थे, 25 साल रहे मंत्री, रहे आमदार रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है, और कृष्णा जी खोपड़े ने रहते हुए यहाँ पर बहुत कुछ विकास किया है, सभी लोगों का काम भी किया है, वो ये नहीं देखते कि ये कौन से पार्टी का, ये कौन से पार्टी का है, सभी का काम करते हैं, इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे। तो हमने जाना पूर्व नागपुर की जनता से उनका मूड, विधानसभा चुनाव को लेकर वो किसे चुनकर देना चाहते हैं, किस मुद्दे पर वो यहाँ के विधायक को चुनना चाहते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हमने जाना यहाँ के जनता का मूड। अब ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इस एरिया से, पूर्व नागपुर क्षेत्र से
कौन चुनकर आता है और जनता किसे अपना राजा बनाती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।